Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, नाबालिग से रेप के मामले में बुद्धि विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोंड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था, साथ ही जेल भेज दिया गया था। सजा मिलने के बाद राम दुलार गोंड की विधायकी चली गई है। बता दें कि बुद्धि विधानसभा से भाजपा विधायक राम दुलार गोंड पर पॉस्को और रेप के मामले में वर्ष 2014 से मुकदमा चल रहा था, तो वहीं भाजपा विधायक को सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार ने काफी लंबी लड़ाई भी लड़ी है। पीड़िता के परिवार ने लड़ी लंबी लड़ाई। पीड़िता के भाई ने एक चैनल से बताया कि लगभग 1.5 साल पहले विधायक ने मुझे फोन करवाया था, इस मामले में वापस लेने के लिए कहा। परिवार और लोगों को भी फोन आए। एक बार तो मेरी बहन को भी फोन किया और उससे कहा गया कि हमें केस वापस लेने के लिए मनाए। उसके विधायक बनने के बाद हम लोग और डर गए। हमें केस वापस लेने के लिए 25 से 30 लाख रुपए का ऑफर भी आया, मगर हमने मना कर दिया। हमने अदालत को सब बता दिया। जिस वक्त विधायक को सजा सुनाई गई, पीड़िता का परिवार कोर्ट परिसर में मौजूद था और फैसले के बाद भाई ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने बहुत झेला है। ये एक लंबी कानून की लड़ाई थी, लेकिन अब मैं ये जानकर शांति से सो सकता हूँ कि मेरी बहन का बलात्कारी जेल में है। दोषी करार दिए जाने के बाद मिली धमकी। वहीं पीड़िता के वकील विकास साके ने बताया कि केस लड़ने के दौरान उन्हें कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ा, यहां तक कि पीड़िता को रुपयों का लालच भी दिया गया। जब इससे बात नहीं बनी तो उसे कई बार धमकी दी गई। पीड़ितों को वकील ने आगे बताया कि दोषी करार दिए गए विधायक राम दुलार सिंह गोंड ने पीड़िता की शादी के बाद उसके ससुराल जाकर भी धमकियां दी थी, रसूख का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी योजना फेल हो गई। पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और मुकदमे में लगातार पैरवी करता रहा। अब समझते हैं कि मामला क्या है। बता दें कि नाबालिग से रेप का ये वारदात साल 2014 में हुई थी। उस वक्त रेप के दोषी राम दुलार सिंह गौड़ की पत्नी मयूरपुर थाना क्षेत्र के गांव की प्रधान थी। प्रधान पति होने की वजह से गौड़ की गांव में चलती थी। रेप पीड़िता के भाई के मुताबिक 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी बहन रोती हुई घर आई। उसने बताया कि रामदुला गौड़ ने उसके साथ रेप किया है। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में गौड़ के खिलाफ तहरीर दिया था। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधायक किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के गधे होते हैं, किस तरीके का करतूत करते हैं। हालांकि कोर्ट ने सजा सुना दी है। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे बताइए। धन्यवाद।